नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। संपूर्ण भूगोल सार में भाग 11 है। इससे पहले 10 वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा चुके, जिसमें हमने बात करी थी बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाखड़ा नांगल बांध से। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आपको ये नोट्स रीड करने हैं तो जाइए हमारी वेबसाइट www.studyforcivilservices.com पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही ज्वाइन कर लीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल, जिसके ऊपर आपको नोटिफिकेशंस, वीडियोस की इन्फॉर्मेशन, साथ ही महत्वपूर्ण जितने भी चैनल की तरफ से सामग्री प्रोवाइड कराई जाती है एकदम फ्री, वो वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भाखड़ा नांगल बांध की। तो देखिए, यहाँ पे भाखड़ा नांगल बांध की जब हम बात करेंगे तो हमारे सबसे पहले ध्यान में ये आता है कि जो भाखड़ा नांगल बांध है ये कैसी परियोजनाओं के अंतर्गत है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है ये। ये देखिए, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जो राज्य हैं उनका संयुक्त उपक्रम है भाखड़ा नांगल बांध या भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना। इसके अंतर्गत या भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर दो बांधों का निर्माण किया गया है। भाखड़ा बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1963 में हुआ, ठीक है, और यह बांध सतलज नदी पर अंबाला शहर से 80 किलोमीटर उत्तर में बनवाया गया है। भाखड़ा नांगल बांध का कमांड क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान। भाखड़ा नांगल बांध का जल संग्रहण गोविंद सागर झील से किया जाता है। तो भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे इसके अंदर आपको दे दिए गए हैं। कब इसका निर्माण हुआ, इसमें किस किस किन किन राज्यों का ये संयुक्त उपक्रम है, ठीक है, कहाँ पर ये स्थित है, कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो बस यही तो प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं, जिनका इन महत्वपूर्ण नोट्स के अंदर समावेश है। नेक्स्ट देखिए, कावेरी नदी पर बने बांध। जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ, ठीक है, और 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली आपूर्ति के लिए सिद्रापोंग में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र है। कर्नाटक में कावेरी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया। तो भारत का सबसे दूसरा सबसे पुराना जो जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया वो कर्नाटक में कावेरी पर स्थित शिव समुद्रम में लगाया गया 1902 में। शिव समुद्रम प्राचीन स्थल है। यह मैसूर नगर से करीब 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कावेरी दोआब में बसा हुआ है। यहाँ पर कावेरी का जल पहाड़ की बनावट के कारण विशाल झील की तरह दिखाई देता है। कावेरी नदी का जो जल है वो पहाड़ की एक बनावट के कारण एक झील सदृश दिखाई देता है। कृष्णा सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। तो कृष्णा सागर बांध कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में। कौन सी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है। और कृष्णा सागर बांध की रूपरेखा एम विश्वेश्वरैया ने बनाई थी। कृष्णा सागर बांध के पास वृंदावन उद्यान भी स्थित है। नेक्स्ट देखिए, कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित जो राज्य हैं। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि कावेरी नदी है जो, उसका जो जल है उसके ऊपर विवाद किन किन राज्यों के बीच है वो देख लीजिए। तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। 20 फरवरी 2013 को अधिसूचित निर्णय के अनुसार कावेरी जल की कुल 740 TMC 1000 मिलियन क्यूबिक फीट विश्वसनीय मात्रा से कर्नाटक को 270 TMC फीट, केरल को 30 TMC फीट, तमिलनाडु को 419 TMC फीट और पुदुचेरी को 7 TMC फीट जल आवंटित किया गया है, ठीक है। इनके ऊपर ये विवाद था, उसके ऊपर एक निर्णय दिया गया जिसके अंतर्गत इनको इतना इतना जल दिया जाएगा। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 1969 में पूरी हुई थी। यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है।
नागार्जुन सागर बांध बहुउद्देशीय परियोजना 1969 में पूरी हुई थी और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, इस परियोजना के माध्यम से नालगोंडा, प्रकाशम, खम्मम और गुंटूर जिलों में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध होती है। नागार्जुन सागर बांध की ऊंचाई है 124 मीटर। नागार्जुन सागर बांध के 11 जलाशय में 472 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का भंडारण की क्षमता है। इस परियोजना के तहत 1550 मीटर लंबा एक चिनाई बांध बनाया गया है। इस परियोजना से आंध्र प्रदेश की 8.67 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है तथा 210 मेगावाट विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। यह परियोजना नव गठित आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। ये हम आपको शुरू में बता चुके कि नागार्जुन सागर जो बांध बहुउद्देशीय परियोजना है, यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्यों के अंदर विस्तारित है। नेक्स्ट देखिए, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण वर्ष 1948 में शुरू हुआ और वर्ष 1956-57 के दौरान यह पूरा किया गया। हीराकुंड बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर लगभग 61 मीटर यानी 200 फीट ऊंचा और 4801 मीटर मुख्य बांध की लंबाई दी गई है। यहाँ पर लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध 4801 मीटर लंबाई लेते हुए विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी की जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया हीराकुंड बांध पर ओडिशा में स्थित है, महानदी पर बनाया गया है और इस परियोजना का निर्माण कब 1948 में शुरू हुआ, 1956-57 के दौरान यह है पूरा हुआ। नेक्स्ट देखिए, चंबल घाटी परियोजना। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के समीप जानापाव पहाड़ी से निकलती है। इटावा के समीप यह यमुना के अंदर मिल जाती है। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए यहाँ पर कि चंबल जो परियोजना है, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना हम देख रहे हैं, तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत बांध भी निर्मित किए गए हैं जिनकी संख्या 3 है। देखिए, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, ये दोनों राजस्थान में निर्मित किए गए हैं। गांधी सागर बांध चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है यह बांध। कौन सा? गांधी सागर बांध। यह बांध 62.17 मीटर तो ऊंचा है और इस बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1954 में शुरू होकर नवंबर 1960 में पूरा हुआ। ठीक है, लगभग 6 साल तक ये कार्य चला गांधी सागर बांध का, जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अंदर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में कोटा से 30 किलोमीटर दूर जवाहर सागर बांध का निर्माण भी किया गया है। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है, जबकि गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है। तो गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित बांध है, जबकि गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में स्थित है सतलज नदी पर। गांधी सागर मध्य प्रदेश एवं जवाहर सागर राजस्थान चंबल घाटी योजना से संबंधित है, ये हमने अभी ऊपर देख लिया है। नेक्स्ट देखिए, टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी नदी पर भागीरथी और भिलांगना के संगम के थोड़ा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भागीरथी एवं भिलांगना नदियों का अतिरिक्त जल संग्रह कर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन करना है। कौन सा? टिहरी बांध परियोजना का यदि हम बात करें तो ये भागीरथी यानी गंगा नदी
पर भागीरथी और भीलांगना के संगम पर थोड़ा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में इसका निर्माण किया गया है। इस परियोजना का मुख्य जो उद्देश्य है वो भागीरथी और भीलांगना नदियों का अतिरिक्त जल को संग्रह कर बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन करना है। योजना आयोग की स्वीकृति वर्ष 1972 में ही प्राप्त हो गई थी, किंतु निर्माण कार्य 5 अप्रैल 1978 को प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट देखिए, टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध है, 260.5 मीटर ऊंचाई है इसकी। टिहरी बांध परियोजना के विरोध के मुख्य कारण इसकी भूकंप प्रवण क्षेत्र में स्थिति और पर्यावरण को क्षति और लोगों के विस्थापन से जुड़े मुद्दे हैं। दामोदर घाटी परियोजनाएं। दामोदर नदी हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर नदी में आने वाले बाढ़ों और प्रदूषण के कारण इसे बंगाल का शोक कह दिया जाता है। इस परियोजना की रूपरेखा संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी TVA के आधार पर की गई थी। तो किस नदी परियोजना की रूपरेखा संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी के आधार पर की गई थी? तो वो है दामोदर घाटी परियोजना। ये हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर घाटी निगम की भी स्थापना हुई 1948 में। मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बाराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध हजारीबाग जिले में बाराकर नदी पर बनाया गया है। इसका निर्माण कार्य वर्ष 1953 में पूरा हुआ। कोनार बांध कोनार नदी पर हजारीबाग जिले में दामोदर के संगम पर 24 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इसका निर्माण भी 1955 में पूरा हुआ। मैथान बांध बाराकर नदी पर बनाया गया। यह एक मिट्टी का बांध है। मैथान बांध का निर्माण वर्ष 1958 में पूरा किया गया। पंचेत हील बांध दामोदर नदी पर मैथान बांध से 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत दुर्गापुर बैराज से 2 नहरें निकाली गई हैं। इन नहरों में वर्धमान, हुगली और हावड़ा जिलों की भूमि सिंचित होती है। दामोदर नदी अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होने के कारण इस क्षेत्र के लिए दुख का कारण बनती है, जबकि निचले क्षेत्र में पानी का बहाव अपेक्षाकृत कम होता है। बहाव कम होने के बावजूद पानी की अत्यधिक मात्रा नदी बांध को तोड़कर निचले क्षेत्र में बाढ़ का कारण बनती थी। दामोदर घाटी निगम की स्थापना के बाद निर्मित अनेक बांधों के फलस्वरूप तबाही की प्रवृत्ति काफ़ी कम हो गई है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 की धारा 12 के तहत वर्ष 1948 में किया गया था। विविध परियोजनाओं की अब हम बात कर लेते हैं। मुख्य मुख्य परियोजनाओं की हमने बात कर ली है। भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल की आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहर परिवहन और पर्यटन अनेक कार्य इनके द्वारा किए जा सकते हैं। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग और सिद्राबाग क्षेत्र में हुई थी। भारत और भूटान के सहयोग से चुक्का बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। चुक्का बांध परियोजना भूटान में वांगचू या रैदक नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 40 मीटर है। वर्ष 1974 में 1974 में इसका निर्माण कार्य भारत सरकार की पूर्ण वित्त पोषित इकाई के रूप में प्रारंभ किया गया था, जिसमें 60% अनुदान और 40% ऋण के रूप में था। ऋण का भाग 5% वार्षिक दर से 15 वर्षों पर अदा करना था। इस परियोजना को भूटानी प्रबंधन के हाथ में वर्ष 1991 में सौंप दिया गया। 336 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना से उत्पादित विद्युत का 70% भाग भारत को ही निर्यात किए जाने का प्रावधान है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सतलज नदी पर निर्मित किया गया है। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना है।
हीराकुंड बांध परियोजना का निर्माण ओडिशा में महानदी पर किया गया। इसके तहत हीराकुंड टीकरपाड़ा नराज के पास 3 बांधों का निर्माण किया गया है। इनसे लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई और लगभग 270.2 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, इडुक्की बांध परियोजना का निर्माण केरल राज्य में पेरियार नदी पर किया गया। यह बांध एशिया का सबसे बड़ा आर्क बांध है। इडुक्की बांध की ऊंचाई 555 फीट है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना का निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया। तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? तेलुगु गंगा परियोजना। कृष्णा नदी से जलापूर्ति प्राप्त करने वाली इस परियोजना से तमिलनाडु के चेन्नई नगर को पेयजल प्रदान किया जाता है। तेलुगु गंगा परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। मेट्टूर परियोजना तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। मेट्टूर बांध की लंबाई 1615.44 मीटर है। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं इससे। इस परियोजना के तहत झारखंड में मयूराक्षी नदी पर ही कनाडा बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध की पृष्ठभूमि में निर्मित जलाशय की जल ग्रहण क्षमता 6610 घन मीटर है। मयूराक्षी परियोजना से 2.91 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इस परियोजना के तहत 4000 किलोवाट जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। यह परियोजना आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना सीमा पर स्थित है, ये हम देख चुके। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस परियोजना की स्थापना वर्ष 1902 में हुई थी। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। टिहरी परियोजना भागीरथी एवं भीलांगना नदियों के संगम पर उत्तराखंड राज्य के टिहरी जनपद पर स्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। यह कालपोंग नदी पर स्थित है। रिहंद परियोजना गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पीपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर निर्मित है। इसके तहत 934 मीटर लंबा तथा 91 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस बांध के नीचे ओबरा में 300 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत गृह स्थापित किया गया है। इस बांध की पृष्ठभूमि में 130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के तहत 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की व्यवस्था की गई है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। उकाई गुजरात राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। सूरत में 94 किलोमीटर दूर उकाई नामक स्थान पर ताप्ती नदी पर यह परियोजना निर्मित की गई है। यहीं पर 4928 मीटर लंबा तथा 68.6 मीटर ऊंचा एक विशाल बांध भी बनाया गया है। इससे निकलने वाली नहरों से लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत 300 मेगावाट क्षमता का एक विद्युत गृह भी निर्मित किया गया है। उकाई गुजरात की बहुउद्देशीय परियोजना है। कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है। इसकी ऊंचाई 128 मीटर तथा लंबाई 715 मीटर है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर निर्मित है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तवा परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर निर्मित की गई है। इस बांध की ऊंचाई 69 मीटर और लंबाई 1815 मीटर है। इसका निर्माण वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ और वर्ष 1978 में इसे पूरा किया गया। तवा जल संग्रहण क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। पोंग बांध का निर्माण व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग पर किया गया। कौन से बांध का निर्माण? पोंग बांध का निर्माण। इस बांध की ऊंचाई 133 मीटर है। इस बांध द्वारा निर्मित जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। इसे व्यास डैम भी कहा जाता है। पोंग बांध जो है 1974 में बनकर तैयार हो गया था।
इस बांध के द्वारा महाराणा प्रताप सागर झील का निर्माण हुआ, जिसे पक्षी विहार भी घोषित किया गया। मेजा बांध जो है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर निर्मित है। इस नदी का उद्गम भीलवाड़ा जिले में होरेरा गांव के पास से अरावली पहाड़ियों की पूर्वी ढाल से होता है। कोठारी बनास नदी की सहायक नदी है। इस परियोजना की स्थापना मुख्यतः सिंचाई हेतु की गई थी। तुलबुल नौवहन परियोजना की स्थापना मुख्यतः जम्मू एवं कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर निर्मित की गई है। भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है, जबकि पाकिस्तान वुलर वैराज कहता है। भारत ने वर्ष 1984 में वुलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर इस बैराज का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। इस परियोजना पर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद उभर कर सामने आया, जब वर्ष 1987 में पाकिस्तान द्वारा इस निर्माण कार्य को वर्ष 1960 की सिंधु जल संधि का उल्लंघन मानते हुए रोकने की मांग की थी। बागलहार जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य के डोडा जिले में चिनाब नदी पर बनाई गई है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना वलसाड जिला दक्षिणी गुजरात में वापी से 30 किलोमीटर दूर दमन गंगा नदी पर स्थित है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के जलगांव जिले में गिरना नदी पर स्थित है। पांबा सिंचाई परियोजना पांबा नदी पर केरल के पट्टानमथिट्टा गांव जिले में स्थित है। सुइल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में सुइल नदी पर स्थित है। सुइल रावी नदी की एक सहायक नदी है। ये छोटी छोटी परियोजनाएं हैं। दुलस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। दुलस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन, इस संयंत्र की क्षमता है 390 मेगावाट। ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित राजघाट बांध परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तिलैया अथवा तलैया बांध झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर स्थित है। किसाऊ बांध यमुना की सहायक नदी टोंस पर स्थापित किया जा रहा है। टोंस हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड की सीमा से होकर प्रवाहित होता है। इस परियोजना से मुख्यतः लाभान्वित होने वाले राज्य उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश हैं। गोदावरी नदी पर स्थित बबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र और तेलंगाना की एक अंतर्राज्यीय अति विवादित बांध परियोजना है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर स्थित है। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य फरवरी 1996 में हुई थी, इसे ध्यान में रखना। महाकाली संधि भारत और नेपाल के बीच में 1996 हुई थी। इस संधि द्वारा महाकाली अथवा शारदा बैराज, टनकपुर बैराज एवं प्रस्तावित पंचेश्वर परियोजना आच्छादित है। कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंबात की खाड़ी गुजरात के पार एक बांध बनाने की योजना है, जिससे ज्वारीय शक्ति उत्पन्न की जाएगी। इस योजना के तहत एक विशाल जलाशय का निर्माण भी करने की योजना है, जिसके ताजा जल का उपयोग कृषि, पेयजल और औद्योगिक प्रयोग हेतु किया जाएगा। दिसंबर 1959 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच गंडक बैराज के निर्माण पर समझौता हुआ। बैराज का निर्माण गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर के में वर्ष 1968-69 में किया गया, जिसका उद्देश्य नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था। इसके तहत पश्चिमी नहर प्रणाली, पूर्वी नहर प्रणाली और नेपाल में एक विद्युत केंद्र हेतु जल के बंटवारे पर सहमति बनी थी। यहाँ पे कुछ देखिए प्रोजेक्ट दे रखे हैं, जिन्हें डैम, नहर और उनसे संबंधित नदी या शहर का नाम दिया गया है। तो देखिए, मिदनापुर नहर है जो कंसाबती नदी कसाई पर, तवा जो प्रोजेक्ट है तवा नदी पर, मैतूर डैम है कावेरी नदी पर, उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पर, हीराकुंड ओडिशा के अंदर महानदी पर है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, कुद्रेमुख कर्नाटक में, भाकड़ा सतलज नदी पर, इडुक्की पेरियार केरल में, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, अलमट्टी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है,
तिलैया बांध की बात करें तो झारखंड में, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में, शिव समुद्रम कर्नाटक में स्थित है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, रामगंगा रामगंगा नदी पर, भद्रा जलाशय कर्नाटक पर, भवानी सागर तमिलनाडु में और राणा प्रताप सागर राजस्थान के अंदर स्थित है। तो ये एकदम आपको लिस्ट भी दी गई है, आप इसे लिंक पर क्लिक करके आराम से पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से लिखकर नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बांध एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ नदी लिखी गई है। तो माता टीला बांध है जो बेतवा नदी पर है, हीराकुंड महानदी पर है, गांधी सागर चंबल नदी पर है, काकरा पार बांध ताप्ती नदी पर है, दुलस्ती चिनाब नदी पर है, उकाई तापी नदी पर है और तवा तवा नदी पर ही स्थित है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा शुरू हो जाता है ये है कृषि। तो देखिए, हमने बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर देख लिया, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कृषि, तो इसको हम शुरू कर देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है, तो सीधी सी बात है कृषि की महत्वपूर्ण या अहम भूमिका है। 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो देश की आबादी का लगभग 55% कृषि और इससे जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां हैं उसमें लगा हुआ है, और देश की सकल मूल्य संवर्धन में इसकी हिस्सेदारी 16.4% है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड, तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश था, उसमें किया गया था। बाद में इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कर दिया गया। भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो देखिए, ये कृषि पर जो जितने भी हमारे पास में यहाँ पर ये टॉपिक हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे और कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे हम हर टॉपिक आपको यहाँ पर बताते हुए जा रहे हैं। तो आपको फिर से बता देना चाहते हैं, यदि आप ये नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर आप विजिट कीजिए www.studyforcivilservices.com पर, जहाँ पर आपको इन नोट्स के साथ में बहुत सारी पाठ्य सामग्री वहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई है, वो आप पढ़ सकते हैं। साथ ही ज्वाइन कर लीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल, जिसपे आपको जितनी भी सुविधाएँ फ्री प्रोवाइड कराई जाती हैं वो वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।